नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार और भोपाल से हम आज राजगढ़ में पहुंचे हैं बाबा रामदेव के मंदिर पे भव्य तरीके से जन्म जयंती मनाई गई है। देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा कि मंदिर भी दिखाएं, कोई भव्य और विशाल ये मंदिर है बाबा रामदेव जी का। मंदिर के आपको हम दिव्य फोटो यहाँ से दिखाते हैं, मूर्ति किस प्रकार से बनी है। देख सकते हैं दिव्य बाबा रामदेव जी का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन है और हजारों लोगों की आस्था यहाँ पर जुड़ी है। और हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर, कितने लोग वहाँ पर आए हैं, कुछ युवा साथी भी और कुछ यहाँ पर तवर समाज के लोग हैं। बाबा रामदेव की आज जन्म जयंती है, क्या कहना चाहते हैं, आज कितना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, कितने लोग आ रहे हैं? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा आनंद। कहाँ से पधारे आप, कौन से गाँव से? पालडिया से पधारे हैं जी। कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो अभी तो सर बहुत सारा लोग है, 1 लाख के ऊपर हो जाए, हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हजारों लोग आ जाते हैं। क्या क्या कार्यक्रम रहता है आज मुख्य रूप से यहाँ? हाँ जी, क्या क्या कार्यक्रम होता है आज? बहुत अच्छा, पूड़ी मूड़ी सब खाना वाना खिलाता है सर। आप क्या कहना चाहते हैं सर? हमारे ये बाबा रामदेव जी का भंडारा हर साल होता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है हर साल जी। बस इतना कहना चाहता हूँ। और ये सभी समाज सर्वजनों का सहयोग से इतना बड़ा हमने मंदिर बनाया है। आप कितना चाहते हैं, कितनी खुशी, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा हमको यहाँ पर आज जी। बाबा रामदेव जी की दूज है, हर साल मनाई जाती है ये। देख सकते हैं ये, और कैमरामैन से कहूँगा और लोगों से बात करेंगे, कुछ वरिष्ठ लोग हैं यहाँ के, इन लोगों से पूछेंगे कितना पुराना मंदिर है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ कार्यक्रम। देख, बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। कुछ यहाँ मंदिर पे पुजारी भी हैं, उनसे ही बात करते हैं जो बाबा रामदेव की पूजा अर्चना में रहते हैं। आज रामदेव भगवान की जयंती है, आज आप क्या कहना चाहते हैं, कितना क्या क्या कार्यक्रम होता है? आए मंदिर की अच्छे, हर साल रामदेव जी की दूज बनती रहे, भंडारा होती रहे और सब जनता मंदिर में भी आए और दर्शन करे भगवान का, उसमें बस यही कहना चाहते हैं। कितने लोग इकट्ठे हो जाते, कितने हजार आ जाते हैं रोजाना? रोजाना आज, आज के आज तो बहुत काफ़ी पैसे आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत काफ़ी पैसे आएंगे। क्या मुख्य क्या कार्यक्रम होते हैं आज मुख्य रूप से? यहाँ रात में रामदेव जी के भजन भी होते हैं शाम के समय, और संध्या में शाम के समय भजन भी होते हैं और भंडारा भी चलते रहते हैं। आज देख सकते हैं तमाम लोग हैं, और महाराज जी से बात करेंगे, उधर बैठे हैं कुछ लोग रामदेव मंदिर में है, देख सकते हैं जरा, कुछ वरिष्ठ लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं रामदेव जयंती पर, आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना, बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। कहाँ से आए आप लोग? हम खिलचीपुर के पास से, खिलचीपुर से मानपुरा। देख सकते हैं यहाँ महाराज भी है, महाराज जी से ही बात करेंगे जो पूजा पाठ करते हैं बाबा रामदेव जी भगवान की। महाराज जी प्रणाम, क्या क्या कार्यक्रम है आज मुख्य रूप से, क्या कार्यक्रम? ये जन्म उत्सव बाबा रामदेव जी का जी है, और 2003 में झंडा गड़ा था जी। और बाबा की महिमा 20 साल हो गए, 2018 से इसका निर्माण हुआ, भूमि पूजन 2003 में झंडा गड़ा था, ठीक है, पूरा जंगल था, कुछ भी नहीं था। 2003 में जब हम आए, जब आप आए, कुछ भी नहीं था, यहाँ एक खेलड़ी और एक लीम का पेड़ था, कुछ भी नहीं था। जब से 20 साल से सेवा से करते करते भव्य मंदिर बन चुका, ठीक है, और ये बाबा का चमत्कार है और बाबा की महिमा है। और बाबा क्या मान्यता जुड़ी है इस मंदिर से, क्या लोगों को कितने भला होता है? भाव भक्ति से भगवान रीतते हैं जी जी। भगवान कहीं से नहीं रीतते हैं जी जी, भगवान कहीं से आते हैं? भक्ति से आता है और भक्ति से शक्ति आती है। यहाँ जब से अखंड है, कोई खंडत नहीं है, मुझे 2003 से ये 2024 20 साल हो गए सेवा देते हुए। कुछ भी नहीं था, मैं बता रहा हूँ ना, जंगल था, पूरा पूरा जंगल था। और 7 साल के अंदर यहाँ पे फिर 2013 में हनुमान जी स्थापना की, 2016 में चरण स्थापना की, और बहुत अर्चना आई, बहुत विपता पड़ी है, लेकिन परमात्मा की लीला हुई और बाबा की लीला हुई। भक्तों का मानना है कि भक्ति भाव से जो है आता है, उसकी इच्छा पूरी होती है, मनोकामना पूरी। देखो, भाव रखेगा, भक्ति रखेगा तो भगवान का नहीं है, जहाँ पुकारोगा मैं आज भी है, और सदा भक्ति के गेले है वो, तो भक्ति करोगा परमात्मा तत्काल है,
और ये भक्ति का ही खेल है। रामदेव भगवान जी की आज जन्म जयंती है, मनाई जा रही है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये उनकी कला देखो ना, कितना भाव मंडल और कितनी जनसंख्या, कितना भक्त लोग, जाने कितना कितना भाव से, अपना शरीर का पता नहीं कि अपन कहाँ चल रहे हैं और कैसी भक्ति कर रहे हैं और बाबा के दरबार में दौड़ के आ रहे हैं और बाबा की लीला कितनी है। और इस बाबा की चमत्कारी तो 2009 में भोजन त्याग किया था हमने, 2009 से कितना हो गए 15 साल, लौंग सुपारी बीड़ी भांग गांजा दूध चाय भोजन और चप्पल 15 साल जा रहे हैं और जीवन के लिए बंद है। पहला नंबर चमत्कार तो बाबा का ये देखो, नीम की पत्ती और पानी, आप नीम की पत्ती और पानी पे आहार, हाँ, बस 15 साल जा रहे हैं, 15 साल से, हाँ, और जीवन के लिए बंद है, कोई दुख तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, यही तो चमत्कारी। जब हम बता रहे 2003 से देखो जंगल का भाव मंडल हो गया, कितना हो गए और कितना भक्त आ गए और जाने कितना मालवा से दोरक्या से मालवा तक बाबा का झंडा लहरा गया, भंडारा खुल गए और बाबा की लीला हो गई। और आज बाबा का जन्म उत्सव जो बाबा की 2023 में स्थापना हुई और एक साल के अंदर देखो, और अभी और बाबा की लीला देखना, पर्चा 24वां पर्चा तो इनने दिया, अब 24 के बाद में 26वां में देखना आप क्या लीला होती है। बड़ी खाब की बातचीत हुई है, महाराज जी ने कहा कि 15 साल से नीम की पत्तियां और सिर्फ पानी पीकर महाराज जी रह रहे हैं, बहुत ही दिव्य और शक्ति सिद्ध स्थान मंदिर है बाबा रामदेव का, जहां पर हजारों लोग डेली यहां पर मान्यता मांगने आते हैं। आज विशाल भंडारा किया जा रहा है, भंडारों में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पधारे हैं। जुड़े हमारे साथ निये विश्वकर्मा की रिपोर्ट, राजगढ़ से रामदेव मंदिर से निये विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बंद कर दो, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।